हम हैं और ये हमारे दो बंदर हैं और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है दोस्तों। ये लोग आए हैं मेला में पार्टी करने। पूरा लखीमपुर दिख रहा है। कीड़े मकोड़े टहल रहे हैं नीचे। ये देखिए दोस्त हमारे लखीमपुर का मेला, जैसा कि कहते हैं यहाँ की इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, वैसा आपको हम दृश्य पूरा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लखीमपुर में हमारे इतनी ही मेले की भीड़ होती है, काश ऐसा मेला कहीं और नहीं होता है, हमारे लखीमपुर में ही होता है। ये देखिए आप लोग, ये और ये देखिए पूरा इलाका लखीमपुर का एकदम सन्नाटे में, और वो वहाँ से हमारा घर दिख रहा है। ये जहाँ पे बत्ती है यहाँ पे जलती हुई है, ये गिरी नाले पोल के सामने। ये देखिए सबसे लंबी ट्रेन विश्व की जाती हुई, और ये सबसे बड़ा रूट तय करके आएगी ये ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन बोली जाती है ये विश्व की। ये ट्रेन ही ट्रेन है, बहुत बड़ी ट्रेन है, क्या करें लोग हम। ये देखिए सबसे बड़ी ट्रेन हम इसको ही कह सकते हैं। ये देखिए क्या क्या चिंगारियाँ निकल रही हैं पेल के। ये सबसे बड़ी ट्रेन हमारे वहाँ की कही जाती है। ये देखिए इसका रूट इतना लंबा है कि कोई तय नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका नाम एक बहुत बड़ी ट्रेन ही रखा गया है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। और ये भैया हैं जो ये झूला चलाते हैं, सारा टेकओवर यही करते हैं। ये ना हो तो झूले में कुछ भी नहीं हो सकता है, झूला इन्हीं की बदौलत चलता है, इसलिए इनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये देखिए गेर वेर बाकायदा, इनके पास किला चिला बाकायदा हर चीज़ें हैं। हो गया स्टार्ट, तो अब हम लोगों को जितना जितना ऊपर जाता है उतना ही डर लग रहा है। हम ये कह नहीं सकते झूला है क्या है, जैसे कि देखिए अभी आगे हम जितना ही पहुंचेंगे उतना भयानक दृश्य आता ही रहेगा। और आज वहां प्रोग्राम है, देख रहे हैं आप कितनी सजावट हो गई है। ये देखिए जैसे जैसे नीचे आता है हम लोगों की धड़कने तेज होती जाती है। ये देखिए कैसे लोग शोर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना पगलू भाई साहब है, कितना बड़ा यहाँ पे रैड फ्लो है। मेरा छोटा रोक दे भाई, रोक दे मेरी भैया, रोक दे 200 रुपए। अबे साला 70 रुपए में कितना जुलाएगा यार। ए रोक दे भाई, ओ रोक दे भैया, रोक दे। ए भाई जो हम लोग भाई लोग दिया है यार, आदमी साला चींटी लग रहा है यार। अब भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं झूले के नीचे, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए इनको बहुत डर लग रहा था, इनको बहुत ही डर लग रहा था, अब क्या कर सकते हैं, इनको इतना डर ही लगता है तो हम क्या कर सकते हैं फिर। ये तो भाई देखिए ये लोग, अभी हम लोग मेला देख के वापस आ रहे थे तब की कॉल आ गई कि भाई जो है गाड़ी लेकर गया था बनारस, ये बनारस रूट की गाड़ी है, और वहाँ पर उसका हो गया भाई बहुत मेजर एक्सीडेंट। ये देखिए गाड़ी की धज्जियाँ उड़ गई हैं, लेफ़्ट साइड पूरा गायब ही हो गया है। भाई सुन के हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा डर गए थे कि जब तक भाई से बात नहीं हुई तब तक बिल्कुल सब लोग हम लोग पागल हुए जा रहे थे। फिर फाइनली उससे बात हुई तो उसने बताया कि वो अभी सुरक्षित है, लेकिन गाड़ी की धज्जियाँ देख लीजिए अब उड़ गई हैं एकदम से। ये देखिए इधर साइड से, इधर साइड से भी दिखाई दे रहे हैं। ये आस पड़ोस के भैया लोग आ गए थे यहाँ पर, और पुलिस को भी कॉल कर दी गई थी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ये देखिए इधर अभी आपको खिड़की खोल के दिखा देती हूँ इधर से। ये देखिए स्टीयरिंग आके भाई के जो है पैर जो थाइज होते हैं उनमें धस गई थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसको हल्की सी ही चोट आई है, हल्की बहुत हल्की सी चोट आई है पैर में।
लेकिन भाई आप गाड़ी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की दशा क्या रही है और एक्सीडेंट कितना मेजर है। लेकिन फिर एक बार आप लोगों की दुआएं हैं और बड़ों का आशीर्वाद है, इससे भाई को कोई दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा खरोंचे या कोई मेजर चोटें नहीं आई हैं। लेकिन एक्सीडेंट भैया बहुत मेजर था, बहुत मेजर था।